पोको के F5 डिवाइस के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट मैट्रिक्स का एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है जिसे मैं यूज कर रहा हूँ करीब दो दिनों से बेसिकली ऊपर हो चुका है और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या कुछ परफॉर्मेंस बैटरी और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती है ताकि आप डिसाइड कर पाओ इसे डालना है या नहीं। मैंने ऑलरेडी फुल फीचर्स एक्सप्लेन का वीडियो दे रखा है जहाँ पे मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दिया था इस अपडेट से रिलेटेड, आपने उसे चेकआउट नहीं किया है तो चेक कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक नॉर्मल परफॉर्मेंस और बाकी फीचर्स वगैरह के बारे में जिसे आप डिसाइड कर पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। पहले चीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सिस्टम डिफॉल्ट डिफरेंट लॉन्चर देखने को मिलता है जहाँ पे कई सारे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो और इसका बेनिफिट है जो ले सकते हो जो कि मुझे अच्छा लगा। बैटरी का भी ओवरऑल काफी अच्छा देखने को हमें मिला है क्योंकि अदरवाइज कुछ ऐसे रोम होते ना जो कि एक दो दिनों के बाद बैटरी ड्रॉप करने लग जाते हैं, बट वो चीज यहाँ पे मुझे नोटिस नहीं हुई। सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप देख पाए कि आपको देखने को मिल जाता है हमारा इसका अबाउट सेशन जहाँ पे एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहा है। 11.4 का यहाँ पे अपडेट है, मुझे ऐसा लगा था कि ये फर्स्ट अपडेट है एंड्रॉइड 15 का, बट मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब से गायब था तो जब से मैं वापस आया हूँ जब से कोई अपडेट मुझे देखने को नहीं मिला तो एक गलतफहमी हो गई थी, बट 11.4 है और इसके कई सारे अपडेट आ चुके हैं। भले ही दो तीन महीने से अपडेट नहीं आए थे वो बात अलग है। बाकी हमारे मेंटेनर का नेम देखने को मिलता है, 5 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच है और यहाँ पे कर्नल आप देख सकते हो और बिल्ड 6 मई का देखने को मिल जाता है। बैक गिराने के बाद यहाँ पे सिस्टम यूआई के सेटिंग को आप दो तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, एक पहला ये सिंपल सा देखने को मिलता है, दूसरा हम आते हैं यूजर इंटरफेस के ऊपर और यहाँ पे हम सिंपल वाले को चेंज कर देते हैं डिफरेंट स्टाइल पे, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से गैप देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देख रहे हो ना कैटेगरी बन चुकी है। तो ये दो टाइप के स्टाइल दिए गए हैं, मे बी इन फ्यूचर और भी ऐड हो जाए तो मज़ा सा आ जाए, बट अभी के लिए इतने ही हैं। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेफ्टी पासवर्ड गूगल सिक्योरिटी एंड पासवर्ड, यहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग रहते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डिवाइस इंक्रिप्शन, यहाँ पे क्लिपबोर्ड ऑटो क्लियर का एक ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप जो बाकी चीज़ें जो यूज कर रखे हो ना कीबोर्ड के ऊपर वो क्लीन कर देता है तो आप अपने काले कांडे को छिपा सकते हो। बाकी यहाँ पे नेविगेशन मोड आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पे सर्कल टू सर्च भी दिया गया है, यहाँ पे जेस्चर्स के ऑप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं, सारे बेसिक से ऑप्शन हैं और मैं यहाँ पे GF वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो वनीला ट्राई कर सकते हो बट मैं वनीला रिकमेंडेड नहीं करूँगा और इसका आई थिंक हटा भी दिया गया है, सिर्फ GF ही दिखाई देता है मुझे जहाँ तक ध्यान में है क्योंकि दो तीन दिन हो गए याद नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन से आप फोर्सफुली अपने गेमिंग वाले एप्लीकेशन को 120p इनेबल कर पाओगे अगर गेम सपोर्ट करता है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। सिस्टम डायग्नोसिस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और बाकी यहाँ पे ऐप्स के अंदर हम बात करें तो ऐप्स लॉक क्लोन बाकी अदर ऑप्शन यहाँ पे काम करते हैं और गेम टर्बो यहाँ पे 4 पॉइंट वाला यूज किया गया है जहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से रियलमी में जैसे मिलता है ना आपको गेम बार सेम वैसे ही दिखाई देता है। बाकी अदर जो भी ऑप्शन आप यूज करोगे यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा तो वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और ये काफ़ी सही तरीके से काम करता है। वॉलपेपर स्टाइल में ज़्यादा कुछ है नहीं, वही सारे कॉमन से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि आपने बाकी अदर रोम में भी देख रखा है, ये सिमिलर ही रहता है। डिस्प्ले के अंदर ऑटो ब्राइटनेस आपका वर्किंग है, डार्क मोड में आपको प्योर ब्लैक मिल जाता है, रिफ्रेश रेट आप चाहो तो अडेप्टिव भी यहाँ पे ऑन कर सकते हो, बाकी हाई टच पॉलिंग रेट डिस्प्ले सेचुरेशन HBM और यहाँ पे टैप टू वेकअप और स्लीप मिल जाता है। ये है इसका एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन जहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मिलती है जैसे कि गेम स्पेस स्पूफिंग से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह, नेटफ्लिक का यहाँ पे इग्नोर विंडो सिक्योर का, यहाँ पे हाई डेवलपर स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है, पॉकेट डिडक्शन है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट के ऑप्शन है और साइड बार वगैरह, और स्क्रीनशॉट क्लिक का जो साउंड है ना वो सिमिलर है जैसा कि एंड्रॉइड 14 के टाइम पे हमें देखने को मिलता था तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है। इसके बाद बटन के अंदर पासर स्क्रीनशॉट पावर मेनू का ऑप्शन आपको मिल जाता है जहाँ पे थोड़ा कस्टमाइजेशन कर सकते हो और एडवांस रीस्टार्ट वगैरह भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। वापस बैक की रहते हैं तो आपको मिलता है साउंड प्रोफाइल जहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, कॉलिंग से रिलेटेड वाइब्रेट के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे नॉइजी का है, फोर्स स्टॉप है, हैंड्स अप कॉलिंग का ब्लिंक फ्लैश लाइट आपको मिल जाएगा। अनदर स्टेटस बार के अंदर आपको मिलता है क्लॉक कस्टमाइजेशन, डेटा यूजेज वगैरह, 4G 5G वगैरह के इंडक्टर के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लोगो का ऑप्शन है, बैटरी सर्कल के ज़्यादा कुछ ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, बाकी टैप टू बैकअप स्लीप और यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल के अलावा यहाँ पे आपको पैडिंग कंट्रोल भी मिलता है। क्विक सेटिंग के अंदर आपको हेडर इमेज मिल जाता है जहाँ पे से मैं एक इमेज सेट कर रखा हूँ जो कि काफ़ी सही काम करता है और क्यूएस हमारा काफ़ी स्मूथ रहता है, कोई भी लैग स्टटर देखने को नहीं मिला। बाकी हैप्टिक है आपके ब्राइटनेस स्लाइडर के ऊपर, यहाँ पे आप है जो अपने क्यूएस को जो कि मैंने साइबर पंक वाला स्टाइल डाल रखा है ना ये आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, जैसा रखना है वैसा आप यहाँ पे रख सकते हो, लेवल हाइड कर सकते हो, रो एंड कॉलम कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हो, डेटा यूजेज वगैरह इनेबल कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कस्टमाइज कर पाओगे, यानी क्यूएस के अंदर जो भी बदलाव करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो क्विक सेटिंग में। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको फॉन्ट्स कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, वेदर का ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन आपको मिलते हैं और पावर मेनू मिलता है।
यूजर इंटरफेस में सर्च बार आपको कैसा रखना है, उसके बाद यहाँ पे एम्बेंट का, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह का, यहाँ पे नेविगेशन बार वगैरह, उसके स्टाइल्स वगैरह, फॉन्ट्स, आइकन वगैरह, ये सारी चीज़ आप बदल सकते हो, जो कि बेसिक से चीज़ रहती है। बाकी तो रोम में भी आपने ये चीज़ देख रखा है। चार्जिंग एनिमेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखो बैटरी किस तरीके से यहाँ पे एनिमेट करता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे लगता है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे काफ़ी सही लगी। तो ये सारे बेसिक आपको फीचर्स मिल जाते हैं इस रोम की तरफ से। लेकिन रही बात परफॉर्मेंस और बाकी सब चीज़ें, तो गूगल का डायलर दिया गया है जहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग आपको पता ही है, बट VCR दे दिया गया है जिससे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का कोई भी लफड़ा नहीं रहता, ये अच्छी बात है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डॉल्बी, जहाँ पे आउटपुट से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगा, बट ऑडियो क्वालिटी कैसा होने वाला है चलिए मैं आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक आइडिया लग गया होगा ऑडियो के मामले में, और ऑडियो क्वालिटी भी अच्छा रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैमरा दिया गया है वो हमारा हाइपरवेस या लाइका कैमरा कह लो, जो कि प्रॉपर वर्किंग रहता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको 4K का 30 ही मिलता है, 60 नहीं मिलता है, 60 MIUI हाइपर मोड में ही इनेबल रहता है, क्योंकि ऑफिशियली ये अनलॉक नहीं किया गया था, तो यहाँ पे भी आपको अनलॉक नहीं मिलता। अब रही बात परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो हमारा ये अबाउट सेशन वगैरह, उसके बाद ये एक आपको लिमिट का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ मिस हो गया है। तो अगर आप बैटरी के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे आइडियल का मिलता है, ये पावर ऐप प्रोफाइल आपको मिल जाता है जहाँ से आप परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे काफ़ी काम आएगा, जहाँ से आप परफॉर्मेंस को बूस्ट कर पाओगे और बेंचमार्क पे डालने के बाद अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। उसके बाद ये पावर टूल मिल जाता है, अगर आप इसे ऑफ कर देते हो तो पावर टूल आपका यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, जहाँ से आप अपने पूरे OS को परफॉर्मेंस दे सकते हो, चाहे आप बैटरी सेविंग में डालो, गेमिंग में डालो, परफॉर्मेंस पे या फिर अननोन के ऊपर। और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है तो यहाँ पे आप जो GPU वगैरह को खुद से मॉडिफाइड कर सकते हो और अपने परफॉर्मेंस को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। अगर नॉलेज है तो अदरवाइज सिंपली इस प्रोफाइल का यूज करो या फिर यहाँ पे आके इसका यूज कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हैंडी बना के देता है ये सारे फीचर्स वगैरह। बाकी यहाँ पे आपको वही बेसिक ऑप्शन मिलते हैं, और एक यहाँ पे आपको मिलता है आपको चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन, जो कि परसेंटेज के हिसाब से तो आप कंट्रोल कर ही सकते हो। और एक और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जो कि हमारा ये है चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन, जिसे आप ऑन कर दोगे ना तो यहाँ पे 80% पे आपके बैटरी को रोक देगा। एक लिमिट जो अलग है वो अलग फीचर से अलग फीचर है, ये डायरेक्ट 80 पे रोक देता है। और यहाँ पे एनिमेशन में भी ये चीज़ आपको दिखाई देता है, अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो देखो यहाँ पे चार्जिंग पूरा फील हो रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, तो ये आपको बैटरी प्रोफाइल में नजर आ जाता है। अनदर यहाँ पे हम बात करें कैमरा वगैरह, तो काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती हमारी, जो कि अच्छी बात है। और ये नॉर्मल टेस्टिंग का हमारा Antutu स्कोर, जो कि मैं कहूँगा ओवरऑल ठीक नहीं है, बट यहाँ पे नॉर्मल टेस्टिंग है, जहाँ पे आपका बैटरी सेव हो रहा है तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन साइड रहता है। बट जैसे मैं यहाँ पे प्रोफाइल का यूज करके परफॉर्मेंस को बूस्ट करता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है और हीटिंग भी ज़्यादा कुछ नहीं जाता। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगा कि नॉर्मल बेसिक पे आपको बैटरी मिल जाता है, परफॉर्मेंस बूस्ट करते हो तो आपको परफॉर्मेंस मिल जाता है, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ साथ बैटरी ड्रॉप जो कि 72 के बाद मॉर्निंग में आते हैं यहाँ पे 69, यानी फुल नाइट में 3% का बैटरी ड्रॉप है, जहाँ पे 10 hours 19 minutes का स्टैंड बाई टाइमिंग, जो कि अच्छा खासा है। इसके बाद यहाँ पे आप देखो CPU टोटल जो कि मैक्स गया 4,06,000, मिनिमम 2,71,000 है, जो कि लास्ट में हल्का सा टोटल करता है। इसके बाद यहाँ पे फिर से मैंने चेक किया, सिमिलर रिजल्ट आया। तो यहाँ पे प्रोफाइल ऑन करो या ऑफ करो, इसी तरीके के रिजल्ट आते हैं, तो थोड़ा सा हीट होता है तो ये थ्रॉटल करता है, और इस फोन में थ्रॉटल की दिक्कत रहती है। बट आप कूल डाउन करते हो अपने फोन को, कूलिंग कंट्रोल करते हो, हीटिंग को मैनेज करते हो, तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। अनदर देखिए बैटरी ड्रॉप बात करें तो 39 के बाद मॉर्निंग में आता है 37, तो यहाँ पे भी ज़्यादा बैटरी ड्रॉप नहीं हुआ, सिमिलर रिजल्ट देखने को मिलता है, जो कि मैं कहूँ अच्छा खासा यहाँ पे आपको नज़र आ जाता है। तो टोटल यही सारे बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलती है इस रोम से, और रोम मुझे रियली में काफ़ी अच्छा लगा है, और बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट रोम भी रहा है गेमिंग के लिए स्पेशली, क्योंकि एंड्रॉयड 14 टाइम पे गेमिंग के नाम से पॉपुलर हो चुका है, और अभी भी आपने इसे यूज किया है तो आपको अच्छा खासा आइडिया भी होगा इसके बारे में। तो रोम काफ़ी सही है और आप इसे यूज भी कर सकते हो, और मेरे तरफ से रिकमेंडेड भी होने वाला है, बट डिपेंड करता है कि आप इसे डालना चाहते हो या नहीं। और डालना है तो 8B साइड लोड मेथड फॉलो कर लो, या ऑरेंज फॉक्स से भी आप इसे फ्लैश कर सकते हो। मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, आप देख लेना और इंस्टॉल कर लेना। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय। स्टेप बता रहा हूं, उसे ध्यान देना है और फॉलो करना है। पावर ऑफ करने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फोन है जो फास्ट बूट पे ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका। अब आपको अपने फोन को PC से कनेक्ट करना है। अगर आपके पास PC नहीं है, आपके पास सिर्फ फोन ही है, आप फोन मेथड फॉलो करना चाहते हो, तो मेरा फोन वाला प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का नाम रख रखा है विदाउट PC फ्लैशिंग गाइड, तो उसे देख लेना, उसमें वीडियो मिल जाएगा विदाउट
पीसी के फ्लैश करने का मेथड, उसे देख के सेम मेथड जो मैं बता रहा हूँ ना वो आप अपने फोन पे भी फॉलो कर पाओगे। अब जो भी इंपॉर्टेंट फाइल आपको बताई गई है वो सभी डाउनलोड करके अपने पीसी पे रख लेना है, या फिर आप फोन से कर रहे हो तो फोन में रख लेना है। और एक प्लेटफॉर्म टूल की जरूरत पड़ेगी पीसी पे, जिसे आपको डाउनलोड करके अनजिप करना है और इसी के अंदर सारी फाइलों को मूव कर लेना है जो भी रिक्वायर्ड फाइलें हैं। तो मैंने यहाँ पे मूव कर लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जो कि आपको बता सकूँ। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल के अंदर टाइप करना है cmd, यहाँ पे टाइप करती है विंडो आपका ओपन हो जाएगा, जिस पे आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका डिवाइस कनेक्टेड है नहीं, तो उसका कमांड टाइप करना है वो डिवाइसेज इंटर। जैसे करोगे यहाँ पे कोड नजर आ जाएगा, यानी कनेक्टेड है नहीं है तो आपको ड्राइवर अपडेट करने की जरूरत है। अब जरूरत है रिकवरी फ्लैश करने की, हमेशा सपोर्टेड रिकवरी ही यूज करना, अगर सेम रोम है तो उसी का रिकवरी ले लेना, नहीं मिल रहा है तो किसी और रोम का भी रिकवरी आप यूज कर सकते हो, बस हाँ काम करने से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया कमांड डालने के बाद और इंटर पे क्लिक, यहाँ पे फ्लैश हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। एरर आया तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, मे बी रिकवरी का प्रॉब्लम है या फिर ड्राइवर का या फिर केबल का। अब यहाँ पे फ्लैश हो जाने के बाद नेक्स्ट कमांड डालेंगे फास्ट बूट रिबूट रिकवरी और इंटर पे क्लिक करेंगे, जिससे आपका फोन स्विच करेगा रिकवरी के मोड में। हमारा रिकवरी आ चुका, आपका डिफरेंट रोम रहेगा तो उसी के नाम से इसी लुक में डिफरेंट नाम का रिकवरी आपको नजर आएगा, लेकिन यूजर इंटरफेस काफी हद तक ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करना है, अगर आपका टच काम करे तो टच का यूज करते हुए आप फैक्ट्री रीसेट कर लेना, अदरवाइज वॉल्यूम अप एंड डाउन और ओके बटन यानी पावर बटन का यूज करते हुए आप यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हो जाने के बाद इंस्टॉल अपडेट पे आना है, ADB साइड लोड पे आना है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा ADB साइड लोड, ये सेम चीज आपको पीसी पे टाइप करना है। टाइप कर दिया, अब जो भी रोम आप फ्लैश कर रहे हो जो भी सपोर्टेड है उसे आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अगर आपको रिक्वायर्ड किया गया है FW फ्लैश करने के लिए तो सेम ये कमांड डालने के बाद आप जो FW को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, जो भी फाइलें हैं सबसे पहले डाल लेना उसके बाद रोम को डालना। तो मैंने रोम डाल दिया क्योंकि FW यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। इंटर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा जो कि 5-10 मिनट का टाइम लेगा। अगर यहाँ पे एरर आता है तो केबल को डिस्कनेक्ट करना, फोन को फिर से रिबूट कर लेना और फिर से ट्राई करना, आपका फ्लैशिंग शुरू हो जाएगा। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद लास्ट में इस तरीके से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है यस नो का, तो आपको यहाँ पे यस करना है, जिससे आपका रिकवरी को रिबूट होके है जो फिर से ऑन होगा। अगर आप किसी डिफरेंट रोम का रिकवरी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे रिबूट के टाइम पे आपका रिकवरी चेंज हो सकता है, तो डोंट वरी, टेंशन मत लेना, चेंज हो रहा है तो होने देना है। और मे बी कुछ ऐसे रोम रहते हैं, जैसे कि रिसेंटली मैंने यप रोम फ्लैश किया था, उसमें इसी टाइप का रिकवरी है लेकिन वो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है, उसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं बट प्रोसेस सेम ही रहेगा साइड लोड वाला जो कि ADB साइड लोड है, तो बस सेम फॉलो करते रहना। अब यहाँ पे मैंने ये फ्लैश कर लिया, इसमें ना ही मुझे निक गैप डालने की जरूरत है ना ही FW डालने की जरूरत है, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालूंगा, लेकिन आपको डालना है एक्स्ट्रा चीज़ें रिक्वायर्ड की गई है तो क्या करना है, सिंपल से फिर से यहाँ पे इंस्टॉल ADB पे आना है और कमांड आपको टाइप करना है PC पे, जो कि होगा आपका ADB साइड लोड स्पेस। अब जो जो फाइलें रिक्वायर्ड रहेगी, जैसे कि आपको यहाँ पे निक गैप्स रिक्वायर्ड है उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, या फिर कोई रूट करने की जरूरत है तो उसकी फाइलें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। कमांड ये सेम रहेगा, बस आपको 1x1 करके जो भी एक्स्ट्रा फाइलें हैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और फ्लैश करते जाना है 1x1, जैसे कि अभी मैंने रोम को फ्लैश किया है। सब कुछ फाइनल हो जाने बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद आपको बैक है और एक बार फैक्ट्री रीसेट कर लेना है सेम इसी तरीके से, और यहाँ पे है जो आपको रिबूट कर लेना है सिस्टम, कुछ ही देर में आपका फोन ऑन हो जाएगा और आप यूज कर पाओगे इजीली। तो ये गाइड मैंने इसलिए बनाया है ताकि हर एक इस टाइप के रोम के फ्लैशिंग गाइड में मैं ऐड कर सकूँ, क्योंकि आप लोग कहते हो कि लास्ट में फ्लैशिंग गाइड बता दिया करो, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये शूट करूँ ताकि हर एक वीडियो में ऐड कर सकूँ, आपको सेपरेट वीडियो जाके वॉच ना करना पड़े। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट वाला फ्लैशिंग गाइड रहेगा तो वो तो मैं आपको अलग से दे ही दूंगा, लेकिन सिमिलर टाइप का रहेगा तो सभी के अंदर मैं यही है जो वीडियो ऐड करने वाला हूँ, इसलिए आपको फाइल पर फोकस नहीं करना है, आपको प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है जो कि मैंने यहाँ पर बताया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।